अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपी, और ये है मटन देगी बिरयानी, और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ हम ले रहे हैं दही, तो ये अराउंड 4 टेबल स्पून दही है। और उसके बाद हम ले रहे हैं प्याज, तो ये 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज थे, तो इनको हमने कट करके फ्राई कर लिया है। और इसके बाद हम लेंगे 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद हमें चाहिए कुछ हरी मिर्चें और लेमन जूस। तो अब हम मटन ले रहे हैं 1 केजी, और इसके बाद हम लेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च लेंगे, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ली है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, कुछ हरी इलायची है हमारे पास, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और दालचीनी है, और कुछ लौंग। इन सभी चीज़ों को, ये जो खड़े मसाले हैं, हम इनको ग्राइंडर में पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए 1 हैंडफुल हरा धनिया चाहिए हमें, और इसके बाद हम ले रहे हैं 1 हैंडफुल पुदीना। तो अब हम मटन को जो है वो मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। तो ये बिरयानी जो है ना, ये बहुत टेस्टी बनती है, और इसमें मटन को आप मैरिनेट करके 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, तो बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने भी यहाँ पे मटन को मैरिनेट करके अराउंड 2 घंटे तक रख दिया था फ्रिज के अंदर, तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया और बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है मटन। फिर उसके बाद जब हम इसकी बिरयानी बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब सभी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हमने ये प्याज ऐड कर दी है, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्च। तो ये मीडियम वाली हरी मिर्च है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और इसके बाद हम हरा धनिया पुदीना इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 2 घंटे बाद हमने मटन को जो है वो फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, और अब हम कुकर में ऑयल गरम करेंगे। तो यहाँ पे अराउंड हमने 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और उसके अंदर हम ये कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे, और इनको भून लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। तो अभी हम मटन को जो है अच्छे से भून लेंगे, अराउंड 8 से 10 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। और ये देखिए ऊपर जो है वो ऑयल भी आने लगा है। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें सीटी लगा देंगे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। फिफ्टीन मिनट्स हो गए और हमने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद अब हमने मटन चेक कर लिया, तो मटन जो है अच्छे से गल गया है, और ये देखिए हमने चेक कर लिया है। और ये जो हमने मसाला, जो खड़े गरम मसाले पीसे थे, वो मसाला हम ऐड कर देंगे इसमें। और चावल जो है इस बार हम बासमती, वाइट वाले जो बासमती होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हमने सिर्फ 1/2 घंटा भिगो कर रखा था, और फिर जैसे कुक करते हैं उस तरह से कुक कर लिया है। और अब इसकी हम लेयरिंग कर देंगे, और चावल को हमने अराउंड 80% कुक किया था, और ये देखिए अब हम लेयर्स डाल देंगे, और उस फिर लेयर के ऊपर ये कलर ऐड कर देंगे, और ये फिर हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें। तो सभी लेयर्स हमारी हो चुकी हैं, और कलर भी हमने ऐड कर दिया है इसमें। तो अब लास्ट में फिर से हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने पीसा था वो वाला मसाला इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसको दम पर रख देंगे अच्छे से कवर करके। तो 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे लो फ्लेम पर। तो 20 मिनट बाद हमने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था, और चूल्हा ऑफ़ करके भी हम 5 मिनट बाद इसको ओपन करेंगे। तो ये देखिए जो बिरयानी है वो अच्छे से दम हो चुकी है।
और ये देखिए चावल भी खिले खिले बने। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको ऊपर से फ्राइड अनियंस डाल के गार्निश किया। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।